हेलो क्लास फिफ्थ, आज आप मैथ में स्टडी करेंगे चैप्टर 15 सिंपल इंटरेस्ट, और ये इसकी एक्सरसाइज 15.1 है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹1200 फॉर 4 ईयर एट द रेट ऑफ 6.12% पर एनम। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो फाइंड द इंटरेस्ट, और ये आपका इस अमाउंट पर, यानी पी इक्वल टू कितना है यहाँ पर आपका ₹1200, टाइम कितना दिया हुआ है 4 ईयर्स, और रेट जो परसेंट में होता है आपका वो होता है रेट 1/2%, कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12, 113/2%। ओके, तो SI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका PRT, PRT मतलब P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब P देखिए आप कितना है ₹1200, R कितना है आपका 13/2, और टाइम कितना दिया गया है 4 ईयर, अपॉन में आपको क्या राइट करना है 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल, इस 2 से चाहे 4 कैंसिल कर दीजिए, चाहे तो आप 12 कर सकते थे। कितना हो जाएगा 12 टू जा, ये पहले 13 टू जा 26, 26 इंटू 12 कर दीजिए, तो 12 सिक्स जा कितना होता है 72, और 12 टू जा 24, 24 और 7 आपका हो जाएगा 31। शायद अपना कैलकुलेशन देखिए रॉन्ग होती है, तो आप खुद उसे करेक्ट करेंगे, वैसे करेक्ट है ये। ठीक, देन सेकंड क्वेश्चन है, निशा टुक अ लोन ऑफ 25,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 ईयर एट द रेट ऑफ 5%, व्हाट अमाउंट सी हैज टू पे आफ्टर 6 ईयर। क्या करती है, 25,000 बैंक से लोन लेती है इस रेट पर 5% के रेट से, और 6 ईयर के बाद उसे क्या करती है, पेड करती है। तो कितना अमाउंट वो पेड करती है, दैट मीन यहाँ पे आप SI सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, और 25,000 पे क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। तो P इक्वल टू क्या राइट करना है आपको, सबसे पहले ₹25,000, देन टाइम कितना है यहाँ पे आपका 6 ईयर है, ओके, और रेट क्या है आपका 5% पर एनम। तो SI इक्वल टू आपका होता है PRT अपॉन 100, P कितना है यहाँ पे आपका 25,000 है, R कितना है 5% है, और T कितना है 6 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 6 आपका हो गया 30, 30 से यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 15, 3 2 6 17, और ये 2 जीरो, 1 जीरो ये, और एक ये वाला 0, डबल 0। लेकिन अमाउंट पूछ रहा है कितना अमाउंट पेड करना है उसे, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P प्लस SI। P कितना था आपका 25,000, और SI कितना है 7500। अब आप इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करें क्या हो जाएगा 00 5, और ये 7 5 12, और यहाँ 2 1 कितना हो जाएगा 3 32,500। नेक्स्ट है, निखिल बारोड ₹10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड पेड 3200 एज ए इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर, फाइंड द रेट इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या करता है, 10,000 अमाउंट लेता है, और उसे एज इंटरेस्ट कितना देता है 3200 4 ईयर में, तो आपको रेट बताना है। तो यहाँ आपका ये P इक्वल टू कितना है 10,000, 10,000, देन टाइम कितना है आपका 4 ईयर है, और SI यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया 3200। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, रेट। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है, मैंने क्लास में बताया था, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ओके, जो आपका ये फॉर्मूला है SI इक्वल टू PRT, इसी से रेडी होता है ये,
PRT अपॉन 100 से ही। आपको क्या फाइंड आउट करना था, रेट। तो रेट को आप यहीं पर रख दीजिए, तो 100 आपका इस साइड में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और पी ओ टी आपका पॉन में आ जाता है। ठीक है, तो एस आई कितना है, ₹32,000, और 100 पी कितना है, ₹10,000 इंटू टाइम कितना है, 4 ईयर, कितना है 4 ईयर। अब ये देखिए, 1 2 1 2 और ये 2 0 और कैंसिल हो गए, तो अब ये 4 से 32 कैंसिल करें, कितना हो जाएगा, 8% पर एनम। ओके, क्योंकि यहाँ ईयर था ना, तो ईयर आपका ये पर एनम बन जाएगा, रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया। नंबर 5 क्या है, रामलाल बारोड ₹6,000 फ्रॉम द लैंडलॉर्ड राजेंद्र बाबू टू परचेस अ काउ। ही पेड 7,800 बैक टू राजेंद्र बाबू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम द डेब्ट वाज क्लियर। अभी देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में रेट पूछ रहा था, यहाँ पे आपका टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी अभी वो प्रीवियस सिस्टम से ही करेंगे हम। तो पहले क्वेश्चन राइट कर देते हैं, पी इक्वल टू कितना है, 6,000 रुपीज 6,000, और रेट इक्वल टू कितना है, 10% पर एनम। ओके, और कितना रिटर्न करता है, ए इक्वल टू करता है 7,800। तो एस आई यहाँ से क्या हो जाएगा, सबट्रेट करके ए माइनस पी कर दीजिए, तो एस आई पता चल जाएगा, सेवन एट डबल जीरो माइनस ₹6,000। सबट्रेट करेंगे तो आपको शायद 1,800 मिलेगा। अब आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम का। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। एस आई क्या है आपका, ₹1,800, 100 पी कितना था आपका, ₹6,000, और आर कितना था, 10%, 10 से 10, और यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 6 से कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 3। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 ईयर, कितना आ जाएगा 3, अगर यहाँ पर रेट पर एनम है तो ये ऊपर आके ईयर हो जाएगा। देन 6 नंबर है, रमन केप्ट अ सर्टेन प्रिंसिपल इन अ बैंक, कुछ अमाउंट रखता है 10 ईयर के लिए, और रिसीव कितना करता है, 300 इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिलता है, 300। और रहमान क्या करता है, केप्ट द सेम प्रिंसिपल फॉर 7 ईयर, 7 ईयर के रखता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना है, 3% है फॉर बोथ, दोनों के लिए। फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय द रहमान आफ्टर 7 ईयर, रहमान को अमाउंट कितना अमाउंट मिलता है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको पी तो दिया नहीं गया है, तो पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और टाइम कितना दिया है, 10 ईयर है, और रिसीव बाय 300, ये एस आई है, कितना है, 300 रुपीज, और रेट कितना, 3% पर एनम। ओके, रेट क्या है, 3%, तो आपको अमाउंट बताना है। वो पी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। तो एस आई कितना है, 300 है, और ये 100, आर कितना है आपका, 3% है, और टाइम कितना है आपका, 10 ईयर है। ओके, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 से 300 कैंसिल करेंगे, आपका 100 आ जाएगा, और 100 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ₹1,000। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, कि रहमान केप्ट द सेम प्रिंसिपल फॉर 7 ईयर। अब रहमान के लिए पी कितना हो गया, 1,000 हो गया, रेट कितना है, 3% ही रहेगा, लेकिन टाइम इसके लिए क्या है, डिफरेंट है, कितना है, 7 ईयर है। ओके, तो एस आई, पहले आपको एस आई फाइंड आउट करना पड़ेगा, एस आई क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है, 1,000 है, आर कितना है आपका, 3% है,
और टाइम कितना है, 7 है अपॉन 100, कैंसिल हो जाएगा ये, 3 7 जा 21 और ये 0। तो ए पूछ रहा है अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी प्लस एस आई, एस आई कितना है 210, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1210। कि क्वेश्चन 7 क्या है आपका, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 इन 5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज रुपीज 300 इन 6 ईयर एट द सेम रेट। दैट मीन यहाँ पे आपको 1000 इंटरेस्ट 1000 पर इंटरेस्ट बताना है 5 ईयर्स के लिए। अगर इंटरेस्ट कितना है 300 इन 6 ईयर और रेट वही हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है, रेट। तो रेट पहले क्या क्या गिवन है आप ये राइट कर दीजिए, पी इक्वल टू आपके लिए कितना 1000 और टाइम आप यहाँ पे क्या लेंगे, ये 6 ईयर, टी इक्वल टू कितना 6 ईयर्स और एस आई कितना है 300। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई कितना है आपका 300 इंटू 100 और पी कितना है 1000 और टी कितना है आपका 6 है, तो 0 1 2 3 0, 1 2 3 0। अब ये 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, रेट कितना आ गया आपका 5%। अब क्या कह रहे हैं, 5 ईयर्स के लिए एस आई क्या होगा, तो पी अगेन आपका कितना रहेगा 1000 और टाइम कितना हो जाएगा वो आपका 5 ईयर्स और रेट कितना आपको मिल गया 5%। तो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी कितना है यहाँ पे आपका 1000, आर कितना है 5%, टाइम कितना 5 अपॉन 100, 1 2 1 2, 5 5 जा 25 और ये आपका 0 250। ये क्वेश्चन क्या है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर ऑन अ सर्टेन सम इज 96, फाइंड द एस आई फॉर 6 ईयर ऑन द सेम सम एट द सेम रेट। तो आप इसे यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा ये, एस आई फॉर क्या राइट करेंगे, एस आई फॉर 8 ईयर्स कितना दिया है ₹96, तो एस आई फॉर 1 ईयर क्या हो जाएगा, लेस होगा, और लेस के लिए क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, करते तो कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ₹12। एस आई फॉर कितना ईयर है यहाँ पे आपका, 6 ईयर है, 6 ईयर, क्योंकि यहाँ पे रेट सेम कह रहा था, इसलिए आप इसे ऐसा कर सकते हैं, 6 × 12, 12 6 जा कितना हो जाएगा 72। ओके स्टूडेंट्स, देन 9 है कैलकुलेट द टाइम इन विच 5000 बिल अमाउंट 5500। तो ये पी दिया गया है और ये क्या आपका ए है, ए और पी से आप एसआई निकाल सकते हैं। तो पहले पी राइट कर दीजिए 5000 और ए कितना है आपका 5500, तो एस आई इक्वल टू 5500, सबट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, कितना आएगा 500। देन कैलकुलेट द टाइम, टाइम आपको पता, रेट भी है आपके पास, रेट कितना है 5% पर एनम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई कितना आपने फाइंड आउट किया 5 और ये 100, पी कितना था 5000 और टी कितना है, सॉरी टी नहीं, यहाँ पे आर हो जाएगा, आर आर कितना था आपका 5 था, तो 1 2 3, 1 2 3, ओके 5 10 जा 50 हो जाएगा और इस 5 से 10 को कैंसिल करें कितना आएगा 2, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सोहन ने किसी से, सीमा से लिया 2500 5% के रेट से 4 ईयर्स के लिए, और फिर क्या किया, उसी पैसे को अंजू को दे दिया 6% के रेट से 4 ईयर्स के लिए, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ।
ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर यहाँ पे लिखेंगे सोहन, फॉर सोहन पी इक्वल टू कितना 2500, आर इक्वल टू कितना है 5% है, और टाइम इक्वल टू कितना है 4 ईयर है। तो एस आई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, पी था आपका 2500, आर है 5 और टी है 4 अपॉन 100, ये 2 0s 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा कितना होता है 100 और 105 जा 500। ओके उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 500, और फॉर यही अमाउंट वो क्या करता है, जब 25 लेता है 2500 लेता है तो वो अंजू को दे देता है। तो फॉर अंजू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू सेम अमाउंट देगा वो, आर लेकिन चेंज हो जाता है 6%, और टाइम भी आपका क्या है 4 ईयर है। तो एस आई का जो फॉर्मूला पी आर और ये टी अपॉन 100, वो 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 6 जा 600। ओके कितना आया 600 आया, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा। अब देखिए इससे तो वो लेगा कितना 600 लेगा अंजू से, और देगा कितना 500, तो ये इसका जो डिफरेंस है वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा।